इंदौर विजयनगर पुलिस ने चोरी के मामले में पिछले दिनों दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके फिंगरप्रिंट भी लिए गए थे। उसके आधार पर पुलिस ने दो अन्य चोरियों का भी खुलासा किया है, जिससे विजयनगर और लसुड़िया क्षेत्र में हुई चोरी शामिल है। वही आपको बता दें, डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के मुताबिक पिछले दिनों लसुड़िया और विजयनगर क्षेत्र में चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आरोपी में सनी पिता राजेश्वरी और दिवाकर पिता संजय गोलाई थे। वहीं दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट भी पुलिस द्वारा लिए गए थे। जब पुलिस ने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट सिस्टम में अपडेट किया तो दोनों आरोपी के फिंगरप्रिंट अन्य चोरी की घटनाओं से भी मैच हुए, जिसमें विजयनगर और लसुड़िया क्षेत्र में चोरी की भी पुलिस ने खुलासा किया। विजयनगर क्षेत्र में हुई चोरी में लगभग 1.5 लाख रुपए का माल, जिसमें सोने की अंगूठी, चांदी के बर्तन और नगद रुपया चोरी हुआ था। वहीं दूसरी चोरी में भी लगभग 2 लाख का माल चोरी हो गया था, जिसे अब पुलिस ने बरामद किया। वहीं एक आरोपी फिलहाल अभी चोरी के मामले में जेल में था, जिससे प्रोडक्शन वारंट पर विजयनगर पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया और रिमांड लिया। तो दोनों ही चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चोरी का माल मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रखकर नकदी ले लिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने वहां से भी माल बरामद कर लिया और इस संबंध में मणिपुरम गोल्ड लोन को पत्राचार कर और भी जानकारी ली जाएगी। कुछ दिनों पूर्व एक चोरी की घटना का खुलासा विजयनगर और लसुड़िया पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसमें हमने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके फिंगरप्रिंट्स को हमने उनसे कैप्चर किया था, जिसको हमारे जो नाफिस का सिस्टम है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, उसमें रन कराया गया था। एंड इसके अलावा हमारे पास जो डेटाबेस बना हुआ है पूरे शहर की चोरियों का, तो उसमें दो अन्य चोरियों के फिंगरप्रिंट्स मैच किए गए उन आरोपियों से। उनका विधिवत रूप से पीआर लिया गया, जिसके बाद में उनसे पूछताछ के बाद में खुलासा हो पाया कि एक लसुड़िया थाने की चोरी और एक विजयनगर थाने की चोरी, जो कि 11 जनवरी को महालक्ष्मी नगर में हुई थी लसुड़िया में, और एक चोरी हुई है जो विजयनगर में हुई है। दोनों के ही चोरी करने के जो आरोपी थे वो स्वयं पाए गए, और जो चोरी किया हुआ मशरूका था वो दोनों से बरामद किया गया है। जो विजयनगर की चोरी है उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया है, जो कि सोने चांदी के बर्तन उनके घर से वो चोर चुरा करके लेकर गए थे। और लसुड़िया की चोरी में लगभग 2 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया इनसे, जो कि कुछ सोने चांदी की जो ज्वेलरी थी। इन सभी को लेकर के ये ज्वेलरी को ये आरोपी मन्नापुरम गोल्ड लोन, जो कि एक गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, वहाँ पर गिरवी रखा करते थे। जिसके संबंध में जब जानकारी मिली तो मन्नापुरम गोल्ड लोन से भी बात करी गई और उनके द्वारा फिर इस ज्वेलरी को रिकवर कराया गया और इसके संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में उनसे पूछताछ जारी है और इसके लिए पत्राचार भी किया जाएगा कि इसमें क्या लीगल गाइडलाइंस हैं और क्या उनको बाध्यताएं हैं गोल्ड को रखकर लोन देने के लिए, उसके अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।